इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर कैसरगंज सीट को लेकर सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, जहां कैसरगंज लोकसभा सीट पर दो नामों की चर्चा। ब्रजभूषण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह का नाम चर्चा में है, जहां करण भूषण सिंह को भी मैदान में उतारने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक यह खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर से सत्यदेव पचौरी की जगह उनकी बेटी नीतू सिंह को भी टिकट मिलने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कैसरगंज सीट को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, कैसरगंज लोकसभा सीट पर दो नामों की चर्चा। ब्रजभूषण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह का नाम, वहीं करण भूषण सिंह को भी मैदान में उतारने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। वहीं मेरठ सीट पर अभिनेता अरुण गोविल कुमार का नाम, कैंट विधायक अमित अग्रवाल को भी सूत्रों के मुताबिक टिकट देने की चर्चा है। वहीं गाजियाबाद सीट पर वीके सिंह के साथ अन्य नामों की चर्चा, अनिल अग्रवाल या अनिल जैन के नाम पर भी चर्चा हो रही है सूत्रों के मुताबिक। प्रयागराज सीट पर पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा के नाम की है चर्चा। प्रयागराज सीट पर नंदी की पत्नी के नाम पर भी चर्चा है। वहीं गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे के नाम पे चर्चा चल रही है सूत्रों के मुताबिक। रायबरेली से मनोज पांडे या दिनेश सिंह के नाम पे चर्चा। वहीं देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को दोबारा मौका मिल सकता है। बलिया से नीरज शेखर, आनंद स्वरूप शुक्ला के नाम पर भी विचार चल रहा है। वहीं कानपुर की सीट पर सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह का नाम इस वक्त चर्चा में। मैनपुरी सीट पर मंत्री जयवीर सिंह को लड़ाने की यह चर्चा है सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जहां पर सहारनपुर पर सुरेश राणा, राघव लखनपाल के नामों की भी चर्चा चल रही है। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां कैसरगंज लोकसभा सीट पर दो नामों की चर्चा है। ब्रजभूषण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह और करण भूषण सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी है सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जहां मेरठ सीट पर रामायण के अभिनेता राम यानी कि अरुण गोविल कुमार का नाम चल रहा है, जहां कैंट विधायक अमित अग्रवाल को टिकट देने की भी चर्चा सामने आ रही है। वहीं गाजियाबाद सीट पर वीके सिंह के साथ अन्य नामों की चर्चा, अनिल अग्रवाल या अनिल जैन के नाम पर चर्चा चल रही है। प्रयागराज सीट पर पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा के नाम की चर्चा चल रही है। वहीं नंदी की पत्नी के नाम की भी चर्चा प्रयागराज सीट पर। गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे के नाम पर चर्चा जारी है। रायबरेली से मनोज पांडे या दिनेश सिंह के नामों की भी चर्चा चल रही है सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जहां देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को दोबारा मौका मिल सकता है, वहीं बलिया से नीरज शेखर, आनंद स्वरूप शुक्ला के नाम पर भी विचार, और कानपुर से सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह के नाम की भी चर्चा चल रही है।